तो हमको पता है सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन सोलर से सिर्फ डीसी पावर ही जनरेट होता है, ठीक है, क्योंकि डायोड क्या है, डायोड सिर्फ डीसी में काम करता है ना, तो हमको सोलर से सिर्फ डीसी पावर ही जनरेट होता है। तो अब हम सोलर एनर्जी प्लांट को, मतलब सोलर की वो प्लांट जिससे हम एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हम मेनली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है, एक है हमारा डीसी, दूसरा हमारा एसी। डीसी मीन्स जहां हमको डायरेक्ट आउटपुट पर डीसी की जरूरत होगी, यस, वहां हम डीसी प्लांट बोल सकते हैं उसे, और जहां हमें आउटपुट पे एसी लोड लगा होगा उन्हें हम एसी में कन्वर्ट कर देंगे, एसी सोलर एनर्जी प्लांट, एसी पावर में। तो देखो मेनली हम जो बांटते हैं ना, तो ये तो सिर्फ एक ही प्रकार का बनेगा, सबसे छोटा जो सोलर का होता है वो होता है सोलर होम लाइट सिस्टम। आप देख रहे होंगे फर्स्ट स्लाइड में सोलर होम लाइट सिस्टम होगा, सबसे छोटा प्लांट सोलर होम लाइट सिस्टम, ठीक है। क्या होता है, ये डीसी होता है, ठीक है, जब हमको डीसी लोड चलाना है तब हम जो डिजाइन करते हैं सिस्टम, ये सबसे छोटा सिस्टम है सोलर डीसी होम लाइटिंग सिस्टम। मीन्स जब आपको एक नॉमिनल पावर चलाना है कि मुझे एलईडी के मान लो 5 बल्ब जलाना है, ठीक है, 5 नंबर बल्ब जलाना है, एक बल्ब मेरा 10 वॉट का, तो ये हो गया मेरा 50 वॉट। फिर मुझे एक टेबल फैन चलाना है डीसी, अगर वो मेरा 15 वॉट का है, ठीक है, एक ही चलाना है मुझे, तो ये हो गया मेरा 15 वॉट, तो टोटल ये कितना हो गया मेरा 65 वॉट हो गया। फिर मुझे मेरा मोबाइल चार्जिंग करना है, वो भी डीसी है, तो हम एक मोबाइल चार्जर लगा सकते हैं 18 वॉट या 15 वॉट का, ये मेरा 15 वॉट, ये कर लो आप इसमें, तो कितना हो गया मेरा 80 वॉट हो गया, तो ये मेरा आ गया लोड, ठीक है। अभी केवल आप समझो, अभी मैं बताऊंगा आपको सिस्टम कैसे डिजाइन होता है। तो 80 वॉट लोड हो गया मेरा, तो मैं इस 80 वॉट के लिए होम लाइट सिस्टम डिजाइन करूंगा। सिर्फ मुझे एक लाइट चलाना रहता तो मैं एक लाइट के लिए सिस्टम डिजाइन करता, मुझे एक लाइट एक पंखा चलाना है तो मैं इसके लिए डिजाइन करूंगा सिस्टम। लेकिन ये मेरा लोड कैसा है, पूरा डीसी है ये हमारा लोड, ठीक। सोलर से जो भी एनर्जी मिली, ठीक है, आप उससे डायरेक्ट लोड चलाओ, मतलब ना मेरा सोलर 12 वोल्ट का पैनल है, ठीक, तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ, 12 वोल्ट का जो भी लोड है मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा तो वो चलेगा। लेकिन जब धूप मेरी कम ज्यादा होगी तो मेरे लोड पे पावर भी कम ज्यादा मिलेगा, तो क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, फ्लक्चुएट होगा, तो एक तो मेरा ये प्रॉपर नहीं चलेगा, दूसरा ये खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जब धीरे धीरे फ्लक्चुएशन जब होता है तो लॉस बढ़ जाते हैं, पावर भी फिर अपने आप उसमें आ जाएगी, एक सप्लाई भी ऐसे फ्लक्चुएटी आ जाएगा, भले ही डीसी है तो क्या हुआ, फ्लक्चुएशन के कारण क्या फ्रिक्वेंसी जैसी नहीं बन जाएगी, ये मेरा कॉन्स्टेंट आ रहा है पावर, लेकिन जब मैं इसमें फ्लक्चुएशन दूंगा तो ये मेरा ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी आ गई है ना, तो खराब होने का डर है। तो मैं क्या करूंगा, देखो सोलर का कोई भी सिस्टम हो, मेनली तो यही दो चीज है, एक तो यहां से सोर्स हो गया ये मेरा, दूसरा मेरा यहाँ लोड हो गया। लोड में आपका कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, पंखा हो सकता है, कूलर, फ्रिज, ई व्हीकल, लोड बोलते हैं हम उसे, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं यहाँ हमको कॉन्स्टेंट मिले सप्लाई, ठीक है, सर्किट लगा दो, ये सर्किट लगा दिया, इसका काम क्या है, जो भी इससे पावर मिल रहा है वो हमको कॉन्स्टेंट मिले, है ना, तो ये सर्किट क्या काम करेगा हमारा, वो सप्लाई कॉन्स्टेंट, जो इधर से मुझे चार्ज मिल रहा है, जो भी चार्ज मिल रहा हो इसको ये कंट्रोल करेगा। इस सर्किट का काम यही है, सिर्फ जो भी मुझे सोलर से चार्ज मिल रहा है उसको मैं कंट्रोल करके मेरे लोड को दूंगी, तो ये सर्किट मेरा कहलाता है चार्ज कंट्रोलर। ठीक,
ये सर्किट मेरा कहलाता है चार्ज कंट्रोलर। सोलर के जितने भी आप प्रोडक्ट उस लिस्ट में देख रहे हो उसमें अगर वो लोड मेरा डीसी है तो मुझे वहां चार्ज कंट्रोलर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो इसको जो चार्ज मेरा आ रहा है सोलर से उसको कंट्रोल करके देगा। अब कंट्रोल करने में क्या क्या चीज आएगी मेरी, इसके चार्ज में मेरे पास क्या क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, और करंट है, और इन दोनों से जो मिल रहा है वो पावर है। मतलब ये तीन चीजों को कंट्रोल करके मुझे आगे देगा। अगर मेरा सोलर 20 वोल्ट है, इसकी सप्लाई 20 वोल्ट की है, 20 वोल्ट कैसे होगा, कल मैंने देखा था 0.6 वोल्ट का एक पैनल, 20 वोल्ट बन रहा है तो कितने पैनल होते हैं, 20 वोल्ट कर दो डिवाइड बाय 0.6 कर दो, है ना। तो अगर ये मेरा 20 वोल्ट है और मुझे मेरा लोड मैंने यहां लगाया 12 वोल्ट का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, वो काम भी मेरा चार्ज कंट्रोलर करेगा। ठीक है, अगर इसका करंट बहुत ज्यादा है, 20 एम्पीयर आ रहा है मेरी स्ट्रिंग में पूरे एरे से करंट, लेकिन मेरे लोड को मुझे कॉन्स्टेंट करंट देना है, तो वो काम ही मेरा क्या करेगा, चार्ज कंट्रोलर से ही कंट्रोल होगा। ठीक, और पावर, पावर तो वो कर ही लेगा, जब वोल्टेज और करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो पावर कंट्रोल हो ही जाएगी। तो ये चार्ज कंट्रोलर का काम है, सोलर से मिलने वाली सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमें एक सर्किट या डिवाइस यूज करना पड़ती है जो हमारा चार्ज कंट्रोलर कहलाता है। ठीक, चार्ज कंट्रोलर हमारा दो प्रकार का होता है, पीडब्ल्यूएम होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, हाँ ये होता है विड्थ मॉड्यूलेशन, ये होता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, दूसरा होता है मेरा एमपीपीटी, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। ठीक है, हम आगे चलते इसका डिफरेंस देखेंगे दोनों में, अभी सिर्फ हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा चार्ज कंट्रोल होगा, चार्ज कंट्रोलर हमने क्यों लगाया, जब मेरा ये भी डीसी था और इधर मेरा लोड भी डीसी था। ठीक है,